नमस्कार, वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मायके में रह रही पत्नी को वापस घर लाने के लिए एक शख्स हाई टेंशन टॉवर पर चढ़ गया और जान देने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसे बचा लिया गया तो मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग से संबंध थे, इस बात को अदालत ने भी माना है। वहीं मानसून के दौरान भारी बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति, भूस्खलन, इमारत गिरने व अन्य आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बीएमसी जोर शोर से तैयारी कर रही है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून से 31 जुलाई के बीच मछली पकड़ने पर मानक प्रक्रिया के रूप में प्रतिबंध लगा दिया है। तो उधर हिंगोली जिले में कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी से परेशान होकर कार्यकर्ता पार्टी ही छोड़ने का मन बना चुके हैं। प्रदेश की इन 5 बड़ी खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मायके में रह रही पत्नी को वापस घर लाने के लिए एक शख्स हाई टेंशन टॉवर पर चढ़ गया और जान देने की कोशिश करने लगा, हालांकि उसे बचा लिया गया। दरअसल पुणे के जुन्नर तहसील स्थित संगमनेर निवासी केशव अपनी पत्नी को लेने उसके मायके आया था। वो पत्नी को बार बार घर चलने को कह रहा था, लेकिन वो तैयार नहीं हो रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात 2 साल पहले एक समारोह के दौरान हुई थी और बाद में उनकी दोस्ती प्यार तक पहुंच गई। हालांकि दोनों की शादी परिवार वालों की रजामंदी से हुई, इसके बावजूद सिर्फ 4 महीने में ही उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। जांच में सामने आया कि केशव को शराब पीने की लत है और ये बात पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है। लगातार होने वाले झगड़ों से परेशान होकर 1 अप्रैल को केशव की पत्नी अपने पिता के घर आ गई थी। इसके बाद केशव 20 मई को अपनी पत्नी को लेने आया था, उसके साथ परिवार के कुछ सदस्य भी थे। काफी मनाने के बावजूद जब पत्नी नहीं मानी तो केशव दोपहर 2 बजे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। उसे टावर पर चढ़ा देख नीचे सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय पुलिस की टीम को मौके पर बुलाया गया और तकरीबन 1 घंटे के ड्रामे के बाद इस रियल लाइफ वीरू का ड्रामा खत्म हुआ। किसी तरह मनाने के बाद उसे नीचे उतार पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि इसकी ये नौटंकी काम नहीं आई और पत्नी अभी भी अपने मायके में ही है। फिलहाल पूरी रात हवालात में गुजारने के बाद केशव को बिना पत्नी के ही घर लौटना पड़ा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग से संबंध थे, इस बात को अदालत ने भी माना है। कुछ दिनों पहले नवाब मलिक के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यह आरोप लगाया था कि गोवा वाला कंपाउंड की जमीन को हासिल करने के लिए नवाब मलिक ने साजिश रची थी। उन्होंने हसीना पारकर के साथ कई बार मीटिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग भी की थी। अदालत की इस कार्यवाही के बाद मलिक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने आरोप लगाया है कि हसीना पारकर सरदार शाहवाली खान के साथ मलिक ने मीटिंग्स की थी। उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वो सलीम पटेल, हसीना पारकर, सरदार शाहवाली खान के संपर्क में थे। दाऊद गैंग से संबंध रखकर मलिक ने गोवा वाला कंपाउंड की जगह हासिल की थी। नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी माह में गिरफ्तार किया था। उस समय अदालत में जिरह के दौरान ईडी ने मलिक पर अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने और टेरर फंडिंग का आरोप लगाया था। ईडी ने तब अदालत में कहा था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग के गुर्गो से संबंध है, साथ ही उनका हवाला जैसी अवैध गतिविधियों में सीधा संबंध भी है। ईडी ने कहा था कि इस मामले की जांच होना बहुत जरूरी है, इसलिए नवाब मलिक की कस्टडी मिलनी चाहिए, तभी मलिक और अंडरवर्ल्ड के संबंधों का खुलासा हो सकेगा। मॉनसून के दौरान भारी बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति, भूस्खलन, इमारत गिरने व अन्य आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बीएमसी जोर शोर से तैयारी कर रही है। मुंबई में एनडीआरएफ की टीम के साथ सेना की टुकड़ी भी तैनात की जाएगी, जो आपात स्थिति में लोगों की मदद करेगी। ये जानकारी बीएमसी के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के समय कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। इसके अलावा इमारत गिरने, भूस्खलन होने और ज्यादा जल जमाव के कारण कई इलाकों में आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है। सड़क व रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने से मुंबई लगभग ठप पड़ जाती है, कई लोग खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, लाइफगार्ड, एनडीआरएफ की टीम तैनात की जाती है। इस बार मॉनसून के दौरान ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सेना की भी मदद ली जाएगी। इसके लिए कुछ इलाकों में सेना की टुकड़ी तैनात की जाएगी। इसके लिए सेना और बीएमसी के बीच समन्वय के आधार पर आगे बढ़ा जा रहा है। बीएमसी ने मॉनसून के दौरान प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और रखने के लिए विशेष तैयारी की है। जरूरत पड़ने पर डिजास्टर मैनेजमेंट ने 1 लाख से 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और रखने की योजना बनाई है। बीएमसी डिजास्टर कंट्रोल के चीफ महेश नार्वेकर ने बताया कि सभी 24 वार्डों में 125 बीएमसी स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है, जहां आवश्यकता पड़ने पर लोगों को पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही शेल्टर और वेलफेयर सेंटर में भी लोगों को रखने की तैयारी है। लोगों को समय पर निकाला जा सके, इसके लिए बेस्ट बसों की मदद ली जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून से 31 जुलाई के बीच मछली पकड़ने पर मानक प्रक्रिया के रूप में प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि प्रजनन के लिए समुद्र तट के पास आने वाली अधिक से अधिक मछलियों का जीवन बचाया जा सके। महाराष्ट्र समुद्री मत्स्य विनियमन अधिनियम 1981 के तहत इस फैसले की हाल ही में घोषणा की गई है। ये कानून राज्य के तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक मशीन से मछली पकड़ने पर रोक लगाता है। प्रदेश के मत्स्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार हर साल ऐसा प्रतिबंध लगाती है जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगता है। पहले जुर्माने की राशि काफी कम थी, जिसके चलते कई ट्रॉलर संचालकों ने खुले तौर पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया। जून से उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा कि जून और जुलाई के दौरान समुद्र अनुशांत रहता है और यहां मछलियों की कई प्रजातियों के प्रजनन की अवधि होती है। इस अवधि के दौरान मछली पकड़ने से खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा इस समय समुद्र में मछली पकड़ना खतरनाक भी है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक मछुआरे जिनकी नावों में इंजन नहीं है या जो मशीनीकृत जाल नहीं लगाते हैं, उन्हें प्रतिबंध से छूट दी गई है। प्रतिवर्ष इस तरह की चेतावनी जारी की जाती है और मछुआरों को जीविकोपार्जन के लिए इस अवधि में सिंचित निधि से काम चलाने को कहा जाता है। हिंगोली जिले में कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी से परेशान होकर कार्यकर्ता पार्टी ही छोड़ने का मन बना चुके हैं। राज्य की शिक्षा मंत्री एवं हिंगोली जिले की पालक मंत्री वर्षा गायकवाड़ और विधान परिषद सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव के बीच जारी शीत युद्ध ने इस गुटबाजी को और हवा दे दी है। दोनों के बीच जारी शीत युद्ध का मुख्य कारण विधान परिषद के चुनाव बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज राष्ट्रीय नेता और राज्यसभा से सांसद स्वर्गीय राजीव सातव का 1 वर्ष पूर्व कोरोना के चलते 16 मई 2021 को निधन हो गया था। स्वर्गीय राजीव सातव के निधन के पश्चात राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाने पर कांग्रेस ने बीड जिले की रजनी पाटिल को राज्यसभा भेज दिया और विधान परिषद में एक पिछड़ा वर्ग विधायक के आकस्मिक निधन से रिक्त हुई सीट पर स्वर्गीय राजीव सातव की धर्मपत्नी प्रज्ञा सातव को प्रत्याशी बना दिया। हालांकि विधान परिषद की ये सीट एक पिछड़ा वर्ग विधायक के निधन से रिक्त होने से पार्टी के अन्य नेता इस जगह पर पिछड़ा वर्ग का ही प्रतिनिधित्व चाहते थे। इसी कारण स्वर्गीय राजीव सातव के एक बड़े कार्यकर्ता ने सातव परिवार से विद्रोह कर विधान परिषद की उस सीट को पाने के लिए अपनी दावेदारी ठोंक दी। तमाम उठापटक के बीच पार्टी ने प्रज्ञा सातव को ही टिकट दी। अब पार्टी के अधिकांश पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता पालक मंत्री वर्षा गायकवाड़ के समर्थन में दिख रहे हैं, लेकिन पार्टी में हो रहे विवाद से हिंगोली जिले में पार्टी अपना अस्तित्व खोती दिख रही है। लंदन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। एक चिंगारी से आग भड़क सकती है, तो बढ़ती महंगाई को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह अपराध बोध न महसूस करे। वही वाराणसी ट्रायल कोर्ट की जगह अब जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई होगी। जिला जज इस मामले की सोमवार को सुनवाई कर सकते हैं। इसी बीच मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद भी अब जोर पकड़ने लगा है। अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की एक याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। तो उधर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। देश में हालात ठीक नहीं है और पीएम मोदी है जो किसी की नहीं सुनते। पूरे देश में लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। सीमा भी सुरक्षित नहीं, चीनी सेना लद्दाख में घुस चुकी है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने LAC विवाद के रूस यूक्रेन युद्ध से भी जोड़ दिया। वे लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया प्रोग्राम में बोल रहे थे। राहुल ने दावा किया कि रूस जो यूक्रेन में कर रहा है, कुछ वैसी ही स्थिति चीन ने लद्दाख में पैदा की है और नरेंद्र मोदी सरकार इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती। गांधी के अनुसार चीन की सेनाएं लद्दाख और डोकलाम दोनों जगह है। चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि इन इलाकों से भारत का संबंध तो है, लेकिन हम नहीं मानते कि यह भूभाग आपका है। हमारी समस्या ये है कि भारत सरकार इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने परोक्ष रूप से एक बार फिर देश में चुनिंदा बिजनेस ग्रुप की मोनोपोली पर निशाना साधा है और कहा है कि मुझे लगता है कि एक कंपनी के लिए सभी हवाई अड्डों, सभी बंदरगाहों, सभी बुनियादी ढांचों को नियंत्रित करना बहुत खतरनाक है। सत्ता और पूंजी के इतने बड़े केंद्रीकरण का अस्तित्व कभी नहीं रहा। महंगाई बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों जारी आंकड़ों में थोक महंगाई दर 15% के पार चली गई। ऐसा 1998 के बाद पहली बार हुआ है। खुदरा महंगाई दर पहले से 8 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है। महंगाई से जनता बेहाल है, ऐसा एक सर्वे में भी सामने आया। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में किए गए सर्वे में 1/3 से ज्यादा लोगों ने बढ़ती कीमतों को प्रमुख मुद्दा बताया।
इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह है कि वे बढ़ती महंगाई पर अपराध बोध न महसूस करें। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब सिंह ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई चेन ठप हो गई है, महंगाई कई देशों में बढ़ी है, लेकिन हमें अपराध बोध महसूस नहीं करना चाहिए। महंगाई से अमेरिका जैसे अमीर देश भी प्रभावित है। राजनाथ ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बारे में बहस जारी है। कोविड 19 महामारी के दौरान समूचा देश ठहर गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था की हालत खराब नहीं होने दी। हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। रूस यूक्रेन संकट के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है और आयात निर्यात प्रभावित हुआ है। स्थिति में यह स्पष्ट है कि इसका किसी भी देश पर प्रभाव पड़ेगा। आप यह जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका, जो सबसे धनी देश है, वहां मुद्रास्फीति पिछले 40 वर्षों में अपने चरम पर है। इसीलिए हमें अपराध बोध नहीं महसूस करना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मुद्दा अब पूरी तरह से वाराणसी शिफ्ट होता दिख रहा है। मस्जिद कमेटी की ओर से मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट के लीक होने को गंभीरता से लिया जा रहा है। वाराणसी ट्रायल कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया। 14 से 16 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर घुसकर सर्वे टीम ने जांच की और फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई। मस्जिद के सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग मिलने का मामला सामने आया। रिपोर्ट लीक होने के बाद माहौल गर्माया हुआ है। अब इस पूरे मामले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिदी कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कर कोर्ट की ओर से नियुक्त टीम की सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देगी। कमेटी का आरोप है कि मीडिया में रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों को लीक किया गया। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मंदिर और मस्जिद पक्षों को सुनने के बाद केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया है। वाराणसी ट्रायल कोर्ट की जगह अब जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई होगी। जिला जज इस मामले की सोमवार को सुनवाई कर सकते हैं। मस्जिद कमेटी के वकील अभय नाथ यादव ने कहा कि हम रिपोर्ट और वीडियो टेप लीक होने के संबंध में अर्जी दाखिल करेंगे और एडवोकेट कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगेंगे। यह गंभीर चिंता का विषय है कि जब मस्जिद के अंदर लिए गए वीडियो वाले चिप को एक सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश किया गया था, फिर यह कई मीडिया चैनलों पर किस प्रकार चलने लगा। रिपोर्ट लीक मसले पर सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि 18 मई की सुबह 10:15 बजे रिपोर्ट दर्ज होने के बाद यह एक सार्वजनिक दस्तावेज बन गया। इसकी अदालत प्रमाणित कॉपी कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद भी अब जोर पकड़ने लगा है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के गरमाए रहने के कारण मथुरा मस्जिद केस की तरफ भले ही ध्यान कम हो गया हो, लेकिन निचली अदालत ने इस विवाद में एक बड़ा फैसला दे दिया है, जिस पर अब माहौल गरमाना तय माना जा रहा है। मथुरा की एक अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की एक याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में पूजा स्थान अधिनियम 1991 लागू नहीं होता है, क्योंकि समझौता डिक्री विभाजित है। विवादित जमीन के मसले पर कानून बनने से काफी पहले वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ ही मथुरा कोर्ट ने एक दीवानी कोर्ट के शाही ईदगाह को हटाने जाने की याचिका को खारिज किए जाने के फैसले को पलट दिया। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दोष बताने वाली रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य की पूर्ण विचार याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से समझौता और उसके बाद समझौता डिक्री को चुनौती दी गई है। ऐसे मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4/3B लागू नहीं होगा। एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 में साफ किया गया है कि यह एक्ट पूर्व में कोर्ट की ओर से सुलझाए गए या समझौता कराए गए मामलों पर लागू नहीं होता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर संपर्क किया, फिर मिलने बुलाकर छात्रा के साथ घिनौनी हरकत की। वसंत कुजनौर पुलिस ने पीड़िता के बयान का मौका मुआयना कर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्रा ने कंप्लेंट में कहा कि वह JNU कैंपस के एक हॉस्टल में रहती है। 11 मई को एक युवक ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनसे संपर्क किया, जॉब और कोर्स को लेकर बात की, इस बहाने से मिलने की इच्छा जताई। छात्रा के अनुसार उसने मना कर दिया, लेकिन वह युवक कोर्स के बारे में बातचीत करने की बात कहकर मिलने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करने लगा। 14 मई की रात वह उस युवक से एक कॉफी हाउस में मिलने गई, जहां युवक ने पहले MCA कोर्स और जॉब के बारे में बातचीत शुरू की। इसके बाद वह नजदीक आया और जबरन किस करने लगा। विरोध करने के बाद भी वह नहीं माना, प्राइवेट पार्ट्स को छूते हुए जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब वह भागने लगी तो मुंह बंद कर आरोपी उसे इंडियन कॉफी हाउस के पीछे अंधेरे में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस दौरान उसने पीड़िता का मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद युवती ने पुलिस को कॉल कर मामले की सूचना दी। वसंत कुंज नौर थाने की पुलिस ने पीड़िता के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवक का नाम हिमांशु रंजन बताया गया है। पाकिस्तान में उथल पुथल का दौर थमा नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार को चेताया है कि एक बड़ी क्रांति आ रही है जो 30 साल तक देश पर कब्जा करने वाले लोगों को दफना कर दम लेगी। तो दूसरी तरफ इमरान खान ने सार्वजनिक मंच से मरियम नवाज पर एक ऐसी टिप्पणी की है जिसके कारण उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर किरकिरी झेलनी पड़ रही है। चीन के बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और ऑनलाइन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के ग्रीन कार्ड वीजा सीमित करने के नुकसान दिखने लगे हैं। प्रोफेशनल्स की कमी के चलते अमेरिकी डिफेंस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोखली होती जा रही है। तो उधर जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने पूर्वी चीन सागर में चीन की गतिविधियों पर नाराजगी जताई है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी के इस्लामाबाद तक लंबे मार्च के संभावित तारीखों की घोषणा 25 से 29 मई के बीच की जा सकती है। हालांकि उन्होंने अभी तारीखों पर अंतिम रूप नहीं दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों से आह्वान किया है कि वे तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं मिल जाता। इमरान खान पिछले एक महीने से देश भर के कई शहरों में जलसा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यहां मुल्तान में एक ऐसी ही रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अल्लाह से पाकिस्तान के लोगों की अंतरात्मा को जगाने की प्रार्थना की है ताकि देश चोरों, लुटेरों, माफिया या किसी भी शक्तिशाली देश के सामने न झुके। दुर्भाग्य से देश को हमेशा ऐसे नेतृत्व का गवाह बनना पड़ा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने झुक गया। इस तरह के व्यवहार ने देश को खराब प्रतिष्ठा दिलाई और यही कारण है कि उन्होंने 30 साल तक देश को लूटने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची। वर्तमान सरकार को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि एक तूफान आ रहा है जो देश को बदल देगा। ये राजनीति नहीं है, ये वो क्रांति है जो पाकिस्तानियों को एक राष्ट्र में बदल रही है। सच में राष्ट्र जाग गया है, एक बड़ी क्रांति आ रही है और अब 30 साल तक देश पर कब्जा करने वाले लोगों को दफनाया जाएगा। इसीलिए अमेरिकी चापलूस सावधान हो जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक मंच से मरियम नवाज पर एक ऐसी टिप्पणी की है जिसके कारण उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान में एक रैली के दौरान इमरान खान ने मरियम नवाज को लेकर कहा कि मेरा नाम इतनी शिद्दत से न ले कि आपके पति नाराज हो जाए। इमरान ने कहा कि मैं मरियम की रैली की एक क्लिप देख रहा था, इसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, कहीं तुम्हारा पति नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम मेरा नाम लेती हो। इस बयान के बाद कई राजनेताओं और नागरिकों ने सोशल मीडिया पर उनके बयान के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मरियम के चाचा शहबाज शरीफ ने भी इसके खिलाफ आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट किया कि देश की बेटी मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक भाषा की पूरे देश खासकर महिलाओं को कड़ी निंदा करनी चाहिए। देश और राष्ट्र के खिलाफ आपके अपराध आपके हास्य में नहीं छिप सकते। पूर्व प्रधानमंत्री आसिफ अली जरदारी ने ट्वीट किया कि जिनके घरों में माँ और बहनें हैं वे दूसरी महिलाओं के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। कृपया राजनीति के नाम पर इतना नीचे मत गिरो। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर किरकिरी झेलनी पड़ रही है। चीन के बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और ऑनलाइन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इसमें चीन की जीरो कोविड नीति के लिए राजनीतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग हो रही है। लोगों का कहना है कि वो महीनों से अपने ही घरों में कैद है, कई परिवार दाने दाने को मोहताज है। बता दें कि चीन में कठिन लॉकडाउन लगाया गया, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की गई, सीमाओं को सील कर दिया गया, 2 साल तक वायरस से मुकाबला किया। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में अपेक्षाकृत मौतें भी कम हुई। वहीं अधिकांश पश्चिमी देशों को भारी प्रकोप का सामना करना पड़ा। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर पिछले साल सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी के दौरान जश्न मनाया गया था। हालांकि ओमिक्रॉन वेरियंट ने चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की पोल खोल दी। सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। शंघाई में इसका सबसे अधिक असर दिख रहा है। बीजिंग के लोगों को भी डर हो रहा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में चीन के प्रोफेसर विवियन शी ने बताया कि नेतृत्व की अकर्मण्यता जिद और नासमझी जोखिम पैदा कर रही है। इसके बावजूद शी का कहना है कि देश को जीरो कोविड पॉलिसी के साथ चलना चाहिए।
अमेरिका में विदेशी प्रोफेशनल को रोकने की नीति के तहत ग्रीन कार्ड वीजा सीमित करने के नुकसान दिखने लगे हैं। प्रोफेशनल्स की कमी के चलते अमेरिकी डिफेंस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोखली होती जा रही है। अमेरिका एक्सपर्ट्स को डर है कि कहीं टैलेंट की कमी के चलते अमेरिका टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना वर्चस्व न खो दे। ऐसे में अमेरिकी सांसद स्टेम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए डिग्री धारकों को ग्रीन कार्ड की सीमा से छूट देने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसे अमेरिका का चीन पर विज्ञान और तकनीक का दबदबा बना रहे हैं। 50 से अधिक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा अफसरों ने संसद को पत्र लिखे हैं। उन्होंने पत्र में कहा कि पेशेवरों की कमी के चलते कुछ अहम रक्षा उद्योग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अरबों के निवेश के बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। अमेरिकी राज्य अरियोजना में इंजीनियरिंग की काफी कमी है, जिसके चलते ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना टारगेट पूरा नहीं कर सका। इस प्लांट पर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों को काम आउटसोर्स करना पड़ रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए किए जा रहे संशोधन का सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को मिल सकता है। भारत उन दो देशों में से एक है जो साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका को टैलेंट देता है। दुनिया की स्टेम प्रतिभा के बिना अमेरिका के लिए लड़ाई कठिन होगी। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने पूर्वी चीन सागर में चीन की गतिविधियों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वो सागर में चीन के विकास कार्यों से निराश है और ये सब अस्वीकार्य है। पश्चिमी शहर कोटियो में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने राजनयिक माध्यमों से चीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि जापानी विदेश मंत्रालय ने कल शुक्रवार को एक बयान जारी कर पूर्वी चीन सागर में प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने के चीनी प्रयासों में वृद्धि की पुष्टि की थी, जिसमें जापान और चीन के बीच मध्य बिंदु के पश्चिम में शामिल क्षेत्र शामिल है। गौरतलब है कि दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच स्थायी तनाव का एक स्रोत पूर्वी चीन सागर में छोटे द्वीपों और उनके आसपास के पानी पर विवाद है, जिसे जापान नियंत्रित करता है। लेकिन चीन भी दावा करता है, चीन ने जापान के इस द्वीप पर हलचल उत्पन्न करके न केवल जापान को उकसाया है, बल्कि उसने एक तरह से अमेरिका को भी आमंत्रित किया है। दरअसल जापान और अमेरिका के बीच एक रक्षा संधि है। इस संधि के तहत यदि जापान पर कोई विदेशी शक्ति हमला करती है तो वॉशिंगटन टोक्यो की रक्षा करेगा। इस संधि के तहत अमेरिका जापान की रक्षा के लिए बाध्य है। इसलिए माना जा रहा है कि चीन ने जानबूझकर नए सिरे से इस द्वीप पर विवाद उत्पन्न करके अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को ललकारा है। तो बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।